हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बिग बॉस का 13वां सीजन जब तक चला लोगों ने खूब पसंद किया। भले ही ट्रॉफी एक के हाथ लगी हो, लेकिन शो में आए सभी कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं दर्शकों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ी। शो खत्म होने के महीनों बाद आज भी शो के कंटेस्टेंट्स मीडिया के गलियारों में छाए रहते हैं। शो में कंटेस्टेंट बनकर आए हिंदुस्तानी भाऊ तो आप सभी को याद होंगे, वही हिंदुस्तानी भाऊ जो जय हिंद बोलकर लोगों के बैंड बजाने के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने नेहा धुपिया पर हमला बोला है। जी हाँ, नेहा धुपिया जो बॉलीवुड में अपने बोल्डनेस के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं, लेकिन उनकी ये बेबाकी लोगों के नजरों पर चढ़ गई है। दरअसल एमटीवी के शो रोडीज में इन दिनों वो बतौर जज नजर आ रही हैं। हाल ही में शुरू हुए इस शो में फिलहाल कंटेस्टेंट्स के ऑडिशंस चल रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें नेहा शो में आए एक कंटेस्टेंट पर भड़कती नजर आ रही हैं। शो के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो हिंदुस्तानी भाव को नागवार गुजरी, और उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कितने समय बाद आपको ये शो मिला, पब्लिक ने आपको ये शो दिलाया, इतने दिन घर में बैठने के बाद जाकर पब्लिक ने उन्हें ये शो दिलाया है, लेकिन उन्होंने इज्जत नहीं की तो पब्लिक ने भी उन्हें इज्जत नहीं दी। ये इंडस्ट्री बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल से चांस मिलता है किसी को, उसके बाद भी अगर आप जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए तो ये जो पब्लिक है वो सब जानती है, इसलिए लोगों की इज्जत करो। हिंदुस्तानी भाऊ ने नेहा धुपिया पर हमला बोलते हुए उन्हें नसीहत देने की कोशिश की। वैसे इनसे पहले लोगों ने भी उन्हें काफी ट्रोल किया था, उन पर फर्जी नारीवाद का आरोप तक लगा दिया था, जिसके बाद ट्विटर पर नेहा धुपिया के साथ साथ बॉयकॉट रोटीज भी ट्रेंड करने लगा था। अब आपको बताते हैं कि शो में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑडिशन देने आया ये कंटेस्टेंट नेहा समेत बाकी जजेस के सामने ये कहता है कि उसने एक लड़की को इस वजह से जोरदार थप्पड़ मारा था क्योंकि मेरे अलावा 5 लड़कों के साथ उसका अफेयर था और वो मुझे लगातार धोखा दे रही थी। वीडियो में देखा गया कि नेहा ये बात सुनकर भड़क उठती हैं और उस कंटेस्टेंट को कहती हैं कि उसे किसी भी लड़की पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है और वो किसी के भी साथ रहे, ये उसकी चॉइस है। खैर, नेहा धुपिया के इस रवैये पर और हिंदुस्तानी भाव के दिए नसीहत पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।